पुलिस हैज बस्टेड इलीगल लॉटरी प्रिंटिंग अलोंग विद इलीगल लॉटरी मेनी आइटम्स इंक्लूडिंग लॉटरी प्रिंटिंग मशीन हैव बीन कॉन्फिस्केटेड। पुलिस हैज बस्टेड इलीगल लॉटरी प्रिंटिंग बिजनेस बीइंग रन इन अ रेंटेड हाउस सिचुएटेड इन सिंधीपारा मोहल्ला ऑफ नगर थाना एरिया। पुलिस हैड रिसीव्ड सीक्रेट इंफॉर्मेशन दैट इलीगल लॉटरी इज बीइंग प्रिंटेड इलीगली इन अ रेंटेड हाउस सिचुएटेड इन सिंधीपारा। It is being told that a person named Rahul Mandal was running it. Police is conducting raids to arrest all the people who are absconding. On secret information, Nagar Thana in charge Anup Bhengar reached the spot with police force, where the house was found locked. Police broke the lock in the presence of people and started searching the house. Then police was surprised in the room, inside computer set, lottery printing machine, printer, sample of printed lottery, cutting machine, 3,000 pieces of illegal lottery along with many other items were found during investigation. Police has seized all the items and brought them to police station. However, from the spot, not a single member involved in the illegal lottery business was caught. All the people had fled from the spot. Police said that business was being run by Rahul Mandal, a resident of Hiranpur police station area. All are absconding. Police is conducting raids to arrest all, and further investigation is going on. कल गुप्त सूचना मिली थी हम लोग को कि सिंधीपारा जो मोहल्ला है वहाँ एक किराए के मकान में कुछ लोगों के द्वारा जो है लॉटरी की अवैध छपाई कर उसका कारोबार जो है किया जा रहा है। तो उस सूचना का हम लोग सत्यापन करते हुए छापामारी दल का गठन किए थे, जिसके द्वारा जो है वहाँ पर छापामारी किया गया। और उस छापामारी में जो है हमें लगभग 3,000 पीस लॉटरी टिकट और 5 प्रिंटर जो कंप्यूटर का होता है, एक पूरा कंप्यूटर सेट, इंक की जो बोतलें होती हैं प्रिंटर के लिए वो कुछ बरामद भी है, और एक पेपर कटिंग मशीन भी जिसे संभवतः टिकट काटा जाता हो, इन्वर्टर का एक सेट था वहाँ, हिसाब किताब से संबंधित 2 डायरी हम लोगों को प्राप्त हुई है, एक टेबल था, ये सारे चीज़ें जो है वहाँ बरामद की गई। उस मकान में एक राहुल मंडल, पिताजी का नाम उनका मणिक मंडल, और जो वीरग्राम हिरनपुर थाना के अंतर्गत आता है वहाँ का रहने वाला था, उसके द्वारा जो है मकान किराए पर लिया गया था, यह कहते हुए कि वह एक रेलवे का कर्मचारी है, लेकिन उसके द्वारा जो है अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर के वहाँ ये अवैध लॉटरी का धंधा चलाया जा रहा था।